आगे बढ़ते हैं। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। एडवोकेट हेमंत नाहटा की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में बसपा के सभी 6 विधायकों को राजस्थान विधानसभा परिसर में प्रवेश देने पर ही रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही याचिकाकर्ता ने बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने, विधानसभा अध्यक्ष के 18 सितंबर 2019 के आदेश को अपास्त करने और सभी 6 विधायकों की विधानसभा की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में जुड़ी बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ 24 अगस्त को अपना फैसला सुना चुकी है, जिसमें मामले को पुनः स्पीकर के पास भेज दिया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मदन दिलावर की एसएलपी को खारिज कर दिया गया है। तो एक बार फिर से यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन इस बार इस मामले को हेमंत नाहटा लेकर पहुंचे हैं और उन्होंने 3 तर्क दिए हैं। पहला तो ये मांग की है कि सभी की सदस्यता को रद्द किया जाए। दूसरा, जो 18 अगस्त 2019 का स्पीकर का आदेश है उसको रद्द किया जाए। और तीसरा, इन सभी के विधानसभा में एंट्री को रोका जाए। बहरहाल इस मामले के अंदर वैसे ही हाईकोर्ट एक फैसला सुना चुका है और उसके तहत वापस विधानसभा अध्यक्ष को यह फैसला करना है कि क्या जो किया गया वो सही है या नहीं। अब कमाल की बात यह है कि जहां तक जानकारी उसके मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष अपने फैसले को रिव्यू नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो मदन दिलावर की तरफ से जुलाई 2020 में याचिका लगाई गई थी और जिसको विधानसभा स्पीकर ने खारिज कर दिया था, उसको जिंदा किया गया था और उस पर 3 महीने के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला सुनाना है, उस याचिका का जवाब देना है। मेरे सहयोगी निजाम घंटालिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, ये एक ऐसा मामला हो गया है जिसमें पेच बहुत है, कभी ये केस खत्म होता नजर आता है, कभी जिंदा होता नजर आता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हाईकोर्ट पहले ही इस केस के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद डाल चुके हैं, तो जो याचिका आज लगाई गई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएगी? बिल्कुल, ये बेहतरीन सवाल है विजेंद्र, क्योंकि जैसे इस मामले में सबसे पहले जो पक्षकार थे वो मदन दिलावर जो बीजेपी के विधायक थे वो थे, क्योंकि उन्होंने स्पीकर के समक्ष ये प्रार्थना पत्र पेश किया था कि जो कांग्रेस बसपा विधायकों का विलय है कांग्रेस में वो गलत है, अमान्य घोषित किया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। दूसरा, जो इस मामले में हाईकोर्ट पहुँचे थे वो बसपा पार्टी थी, क्योंकि बसपा पार्टी सीधे तौर पर वो पार्टी थी जिसके टिकट पर उन 6 विधायकों ने चुनाव लड़ा था, इसलिए वो अपनी जगह थे। लेकिन एडवोकेट हेमंत नाहटा ने एक नए कानूनी एक पहलू के साथ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। ये अगस्त के 2 सप्ते में दायर की होती है और उसमें ये कहा गया था कि चूंकि जो दलीय स्थिति है वो जब 12 सितंबर 2018 की है उससे पहले की जो स्थिति थी उसको पुनः बहाल किया जाए, क्योंकि संविधान की अनुसूची 10 के तहत ये जो विलय है वो पूरी तरह से गैर मान्य है और अमान्य है। इसके साथ ही इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि उन सभी जो विधानसभा जो बसपा के 6 सदस्य हैं जी, उनकी सदस्यता रद्द हो और रद्द करने के साथ ही उनको विधानसभा में प्रवेश करने से रोका जाए। इसके अलावा जो सभी दस्तावेज हैं जिसमें कि ये लिखा गया है कि बसपा के विधायक कांग्रेस के हैं, उन सभी को अमान्य घोषित करने की इसमें मांग की गई है। अब बात आती है कि क्या हाईकोर्ट के एकलपीठ के फैसले के बाद ये अपना मेंटेनेबल है या नहीं है। तो जिस तरीके से मेरा एडवोकेट हेमंत नाहटा हैं और जो अन्य एडवोकेट्स हैं उनसे बात हुई है, उसके अनुसार चूँकि ये अलग तरह का मामला लाए हैं, जनहित के रूप में लेके आए हैं, तो ये कोर्ट का क्षेत्र अधिकार है कि वो इसको एंटरटेन करता है जी या नहीं करता है। जी बिल्कुल निजाम, लेकिन मेरा सवाल इसलिए ये खड़ा हुआ क्योंकि कोर्ट अपने ही फैसले के अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। जब उसने विधानसभा अध्यक्ष को 3 महीने का वक्त दे दिया है कि आप 3 महीने के अंदर मदन दिलावर की उस याचिका को वापस स्वीकार कीजिए और उसका जवाब दीजिए, ऐसे में अगर इस जनहित याचिका को स्वीकार किया जाता है तो कोर्ट अपने ही फैसले को चैलेंज कर देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन चूंकि देखिए कि दोनों ही मामले, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि जो एकलपीठ है जी, जो फैसला दिया था वो एकलपीठ ने फैसला दिया था और उस फैसले को अभी यहाँ चैलेंज नहीं किया गया है। इसलिए जब कोर्ट खंडपीठ जब इस जनहित याचिका की सुनवाई करेगा तो उससे परे रहकर सुनवाई करेगा जी। लेकिन अब ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है कि क्या वो इसको
जनहित का मामला मानती है या नहीं मानती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट अगर इसको जनहित का मामला मानती है तो फिर उसको आगे क्या रहता है, क्या वो नोटिस जारी करती है या नहीं करती है, ये तय होगा। लेकिन फिलहाल जैसा कि हम लोगों के पास जानकारी आ रही है, हो सकता है कि आज इसमें समय मांगा जाए एडवोकेट्स की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से एकलपीठ में कई बड़े फैसलों का जिक्र किया गया था, उसमें हमने भी देखा कि करीब 83 जो फैसले हैं अलग अलग जगह के, अलग अलग जो उनकी नज़रें पेश की गई थी, तो हो सकता है कि आज इस मामले में जरूर थोड़ा सा समय मांगा जाए, क्योंकि अभी एकलपीठ का फैसला आया है ज्यादा एग्जाम। और इस दौरान कुछ वैलिड पॉइंट, जब हेमंत नाहटा से हमने भी बात की थी, फर्स्ट इंडिया ने बात की थी, तो कुछ वैलिड पॉइंट थे। जैसे पहला वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया था कि विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पावर ही नहीं, अधिकार ही नहीं कि वो अपने फैसले को रिव्यू कर सके। तो जब विधानसभा अध्यक्ष पहले ही फैसला दे चुके हैं, तो हाईकोर्ट के इस फैसले के कि आप उस याचिका को सुनिए, 3 महीने में फैसला दीजिए, अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं, अगर हेमंत नाहटा जी को माने। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय स्वीकार किया जाता तो इसको चैलेंज करना सही नहीं था, लेकिन क्योंकि बसपा को उस लेटर में बसपा को कांग्रेस में शामिल होना बताया गया है, ये चैलेंज किया गया। तो कुछ ऐसे पॉइंट आपको लगता है कि आज उठाए जाएंगे ताकि याचिका को स्वीकार किया जा सके? बेसिक देखिए कि जो जनहित याचिका में मुख्य रूप से जो मांग, 3 जो है मांग इस पे जाते हैं। पहली मांग यही है कि जो दलीय स्थिति है उसको पुनः बहाल किया जाए, ये मुख्य मांग है इसमें, और उनकी सदस्यता रद्द करने, साथ ही उनको प्रवेश नहीं। लेकिन ये कि जो आपने बात कही वही बात कि हाईकोर्ट में जब स्पीकर ने जवाब दिया तो स्पीकर से और ये कहा गया कि उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत जब कोई व्यक्ति उनके सामने आया और एप्लीकेशन रखी कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वो प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन मेरिट के आधार पे अभी भी बसपा के विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का जो निर्णय है वो नहीं लिया गया है। उसी मेरिट के अनुसार निर्णय लेने के लिए 3 महीने का समय दिया है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर हेमंत नाहटा जी ने सवाल उठाया था। और लेकिन अभी